तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि बायोमास जो है वो क्या है सो बायोमास रेफर्स टू सॉलिड कार्बोनेशियस ठीक है ये एक किस्म का कार्बोनेशियस मटेरियल है सॉलिड है और रिच इन कार्बन कार्बोनेशियस का मतलब ये हुआ कि जो ये मटेरियल होगा बायोमास का ये जो बायोमास खुद एक बजात खुद एक, एक एंटिटी है उसको हम ये कह रहे हैं कि ये सॉलिड कार्बोनेशियस है कि इसमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा है एंड इट द मटेरियल ऑफ दिस बायोमास विच इज कॉल्ड सॉलिड कार्बोनेशियस दिस मटेरियल ड्राइवड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये जो मटेरियल है ये अखस किया जाता है ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो कि जमीन के अंडरग्राउंड पुराने जो प्लांट्स हैं वो कल सड़ जाते हैं और उन प्लांट से जो है फिर वो बायोमास जो है वो हासिल किया जाता है और इसी तरीके से जो एनिमल्स की रिमेन्स हैं या गंध है उनसे जानवरों की जो डंग है या जो गोबर जिसको हम कहते हैं उसको भी हम बायोमास का मेटेरियल कह सकते हैं तो यह हम देख सकते हैं कि दिस इज अ सॉलिड रॉक लाइक कार्बोनेशियस जिसमें कार्बन है और ये uh, बल्कि ये रॉक नहीं होगी इसको हम कहेंगे कि किसी ऐसा मटेरियल है बायोमास का जिसमें कार्बन मौजूद है वो कोयले की फॉर्म में भी हो सकती है और वो इसी तरीके से जो जमीन में छुपे हुए या दबे हुए मटेरियल हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी बायोमास कहते हैं दीज इंक्लूड रिमेन्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये इनमें जो रिमेन्स का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की जो हम खेतीबाड़ी करते हैं उनकी जो रिमेन्स हैं ये जो रेजिड्यूज हैं जो बच जाते हैं और इसी तरीके से जो दरख्त हैं फॉरेस्ट्री को ऊपर केसे तो, तो काट लिया जाता है लेकिन जो दरख्त है उसकी जड़ें बहुत ही डाउन आ, मतलब जमीन के अंदर काफी गहराई में गई हुई होती हैं तो वो आ, भी इंक्लूड किया जा सकता है उनको बायोमास की फॉर्म में और इसके अलावा एनिमल वेस्ट जैसे मैंने बताया कि जानवरों का जो गोबर है या डंग है और जो वेस्ट है उसको भी बायोमास की मटेरियल में लेके आ सकते हैं एंड डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जहां पर फूड की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद उनको बॉक्सेस में या उनको पैक किया जाता है इन सम काइंड ऑफ टेट्रा पैक्स में या तीन बॉक्सेस में तीन के डब्बों में ठीक है तो उससे वहां पर जो मटेरियल डिस्कार्ड हो जाता है जो सब्जियाँ फ्रूट या कोई ऐसी चीज जो कि इस्तेमाल में नहीं आई और वो गल सड़ गई हैं तो उनका जो वेस्ट है डिस्कार्डेड मटेरियल है वो भी बायोमास के फॉर्म में आ सकता है अच्छा इसके अलावा बायोमास बीइंग ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक जो है हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जमीन में आ, खुद ब खुद पैदा होने वाला ठीक है ऑर्गेनिक है विदाउट एनी एक्सटर्नल कोई दवाइयां या कोई इसी टाइप की चीज नहीं दी जाती बल्कि ये कुदरत की उसमें ऑर्गेनिक है और इसमें दो टाइप्स के हैं एक है अर्थली एंड सेकेंड वन इज मरीन वेजिटेशन मतलब कहने का ये हुआ कि एक तो ये जमीन से जो भी जो खुश्क जगहों से हमें जो भी बायोमास की मैटर्स मिलते हैं और दूसरा मरीन वेजिटेशन मतलब जो समंदर के अंदर भी जो कुछ ऐसी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिनका हम अभी कुछ देर बाद डिस्कशन डिस्कस करेंगे जिनको और वो ये देखेंगे कि ये जो मरीन है समंदर की कौन कौन सी टाइप की जो वेजिटेशन वैज, है जो कि इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जमीन के अंदर आ, अगर खुदाई करने के बाद जो उसकी गहराई से कुछ हमें पीसीज़ ये देखें लकड़ी के भी नजर आ रहे हैं और ये जो मटेरियल है आ, मट्टी है और इसके अंदर खाद है तो ये सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट और किसी किस्म के कोई इनको आ, मतलब कोई मेडिकेशन इन पे नहीं की गई या जमीन पर कोई स्प्रे नहीं किया गया बल्कि कुदरती तौर पर ऑर्गेनिकली ये मैटर जो है वो बन गए हैं रिन्यूज ने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो कि नेचुरली uh, uh, कुदरत की ने ही इनको बनाया है जमीन की रिएक्शन uh, की वजह से प्रेशर की वजह से दस क्लासीफाइड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी किस्म के भी कोई भी एक्स्ट्रा uh, फ्यूल या एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो यहां देखते हैं कि ये और इंट्रोडक्शन में क्या है इट इज डेरिवेटिव ऑफ सोलर एनर्जी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये किस्म का सोलर एनर्जी की तरह का एक एनर्जी है या डेरिवेटिव है उसकी एज प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि ये वो प्रोसेस है कि जब Uh, सूरज की लाइट है रोशनी जो है वो पत्थरों पर पड़ती है ग्रीनरी पर पड़ती है तो वहां से जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम सनलाइट uh, के थ्रू फोटोसिंथिस कहते हैं और वो ग्रीनरी जो है वो मेंटेन होती है तो डायरेविटी ऑफ सोलर एनर्जी एज प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड सी टू फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म हेक्सोस हैक्सोस जो है ये इसको बनाने के लिए सबसे जो मेन हमारा टारगेट या जो मेन पॉइंट है वो वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्योंकि सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो डेरिवेटिव हो गया सोलर एनर्जी का क्योंकि विदाउट दिस सोलर एनर्जी विदाउट दी सन रेज वी कांट ग्रो एनी प्लांट्स सिंपल सी बात है तो इसका मतलब है जब ये डेरिवेटिव हुआ सोलर का तो प्लांट्स ग्रो करेंगे प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का और जो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है और से क्या बनेगा टू फॉर्म हैक्सोस। हैक्सोस जो है इसको हम आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि दिस इज अ सिंपल शुगर अब शुगर की बहुत सारी इकसाम है मेडिकल लैंग्वेजेस में और केमिस्ट्री में जो शुगर है वो डिफरेंट फॉर्मूलाज नेम्स के साथ मौजूद है और डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ डिफरेंट थोड़े थोड़े यू कह लें कि उनका जो केमिकल फार्मूला है कीमियाई फार्मूला है उसमें चेंजेस हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो हेक्सोज हैं हेक्सोज के अंदर फिर कौन कौन से फर्दर जो शुगर के आ, हमारे पास जो नेम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक तो उसमें फ्रुक्टोज है जो कि उसके बाद ग्लूकोज इसमें है और ग्लूकोज के बाद इसमें गैलेक्टोज भी है और भी बहुत सारे मौजूद हैं जो क्या होता है एक्सप्रेस बाय दी रिएक्शन कि जो रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो उससे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं थ्रू हेक्सोज जो कि मेजर पार्ट है और उस हेक्सोज के अंदर फिर डिफरेंट हैं जस्ट लाइक फ्रोक्टोज है अगर मैं फ्रोक्टोज की बात करूं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हनी के अंदर प्योर हनी में हमें क्या नजर आ रहा है कि है, जो फ्रोक्टोज है वो अवेलेबल होता है और ये हम जानते हैं कि जो प्योर हनी है वो बीस से बनता है जो बी हैं मक्खियां हैं शहद की वो इनको बनाती हैं और जो मक्खिया हैं वो क्या करती हैं वो भी पहले जाती हैं फूलों पे और वहां से जाके वो सारा का सारा रस जो है इकट्ठा करती हैं अपने अंदर तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस अगर ना होता प्लांट्स ग्रो ना करते तो ना ही मक्खियां वहां से ये एब्जॉर्ब करती और ना ही हमें ये प्योर हनी मिलता इसी तरीके से ग्लूकोज जो है हम जानते हैं ग्लूकोज जो है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर दी हेल्थी बॉडी तो हम देख रहे हैं कि सेब है या जितने भी ये हमारे अंगूर सेब माल्टा केला वगैरह तो ये सारे के सारे ग्लूकोज हैं और ये हम जानते हैं कि विदाउट दन रेज या विदाउट दोल एनर्जी वी कांट गेट दिस दिस काइंड ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो हम नहीं ले सकते इससे गैलेक्टोज जो है ये हमें पता है कि दूध के अंदर होते हैं और दूध जो है वो गाय भैंसे देती हैं और गाय भैंसे जो चारा खाती हैं वो सारा का सारा भी इन्हीं प्लांट से अखस किया जाता है तो क्या है इज़ सिंपल शुगर, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल शुगर है विद सिक्स कार्बन एटम्स, ठीक है ये कार्बन एटम्स इसमें खसूसियत ये है कि इसके अंदर छे के जो है वो कार्बन के एटम होंगे और जो केमिकल फॉर्मूला होगा तमाम हेक्सोस का वो होगा सी सिक्स एच टू ओ सिक्स तो यहां अगर हम देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के छ मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोज एच टू ओ मतलब वाटर तो क्या होगा सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस का मन होगा तो हमें क्या मिल रहा है सी सिक्स एच टूल्व ओ सिक्स जो कि हम कह रहे हैं दिस इज हेक्सोस प्लस छह मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के भी हमें साथ में अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन की वजह से uh, जो एक्सट्रैक्शन है जिसकी वजह से इंसान जो है वो बड़े आसानी के साथ जमीन पर जिंदा हैं तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है तो बायोमास नॉट एड अच्छा इसकी खसूसियत क्या है बायोमास की कि बायोमास जो है वो किसी किस्म का भी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एड नहीं करता ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोमास किसी किस्म की भी कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में एड uh, नहीं करता या उसको नहीं खारिज करता जैसे कि हम देखते हैं कि कार्बन uh, जो हमारे पास कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं और वो जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जब हम उनको बर्न करते हैं तो बर्न करने से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको खराब कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर को खराब करने से इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनका धुआं है ठीक है वो सारी की सारी चीजें हमारे जो ओजोन लेयर है उसको खराब कर रही हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा कर रही हैं जिसकी वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं अच्छा बायोमास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में नहीं ऐड करती एज क्योंकि उसकी वजह यह है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ऐड करती ठीक है ये पॉइंट भी जेन में रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बायोमास जो है वो बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करती लेकिन वो न्यूट्रल कर देती है न्यूट्रल करने का मकसद यह है कि वो जितनी मिकदार में अगर वो खारिज करती है तो उतनी ही मिकदार में वो एब्जॉर्ब भी करती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं इसको हम ये कह सकते हैं कि कार्बन न्यूट्रल है ठीक है क्योंकि जित अगर फर्ज किया क्योंकि ऐड वो तब करता कि अगर वो कहीं से कहीं ना कहीं से कार्बन एब्जॉर्ब भी नहीं कर होने दे रहा थ्रू प्लांट्स ठीक है अब वो जितना बायोमास फर्स्ट क्या मैं कह रहा हूं कि जितना बायोमास कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में इखराज अगर वो कर रहा है तो उतनी ही एब्जॉर्ब भी सेम अमाउंट ऑफ कार्बन की थ्रू सम ग्रोइंग प्लांट से हो रही है तो हम इसलिए कह सकते हैं कि दिस इज अ कार्बन न्यूट्रल साइकल ठीक है आसान अल्फाजों में तो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन इन ग्रोइंग द्लांट एज इट रिलीज वेन कंज्यूम्ड एज फ्यूल तो इस तरीके से जो कार्बन का साइकिल है वो मेंटेन रहता है सो इट इज अ सुपीरियर फ्यूल एज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज कार्बन साइकिल न्यूट्रल ये वही वाली बात आ गई कि ये सुपीरियर फ्यूल इस लिहाज से कहलाया जाएगा कि, कि जो एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो रही है बायोमास से वो कार्बन साइकिल न्यूट्रल होगी अच्छा वो किस तरीके से होगी वो हम यहां देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां फायर की हमने फायर जो है विच इज हमने हार्वेस्ट किया और बर्न किया ठीक है जलाई हमने आग जलाई उससे क्या हुआ हमें अंदाजा है कि कार्बन जो है वो रिलीज होगी ठीक है एटमॉस्फेयर में तो आग जलाने से लकड़ियों से फर्श किया लकड़ियों से आग जलाई ना तो लकड़ियों से अगर हम आग जलाई जो कि बायोमास का मटेरियल है और वो कार्बन रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में अब जब एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होने के बाद क्या क्या इफेक्ट आएगा कि जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट ये सारे के सारे जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगी जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी प्लस और ये जो वाटर है ये भी इसके जो जरात हैं वो भी मौजूद होंगे सूरज के साथ साथ ठीक है और फिर इससे सूरज से और ये जो वाटर है इनके थ्रू क्या होगा ये कन्वर्जन होगी कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस तो इसी से ये यूज होगी जो सूरज की रोशनी और वाटर और फिर ये जब कन्वर्ट हो जाएगा न्यू प्लांट मटेरियल में फाइव फोरटो में तो ये इस सर्कल इसी तरीके से चलता जाएगा और कार्बन जो है जो, जो साइकिल है इसको हम न्यूट्रल साइकिल कहेंगे इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो एड कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में नहीं करता क्योंकि वो अमाउंट जो जो एब्जॉर्ब जो है सेम अमाउंट ऑफ कार्बन इन दी ग्रोइंग प्लांट एज इट रिलीज वेन कंज्यूम्ड एज फ्यूल या कंज्यूम्ड एज फायर तो बायोमास फ्यूल इज़ यूज इन ओवर 90% परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड इन अबाउट फिफ्टीन परसेंट अर्बन तो हम अपने जो मुजाफाती एरियाज हैं उसमें देख सकते हैं कि जो बायोमास है वो तकरीबन तकरीबन वहाँ गैस जो है वो ना होने के बराबर होती है जो हमारे पास मिथियन गैस है और बायोमास जो है वो टोटल यूज किया जाता है लकड़ी या जो है वो जानवरों का वेस्ट है या इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उनको इस्तेमाल किया जाता है तो नाइन्टी परसेंट से भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो बायोमास का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक रिच इन स्टार्च ये स्टार्च है ये आलू में पाया जाता है ठीक है स्टार्च जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है दवाइयों में मेडिकेशन में और खाने की चीजों में ठीक है और ये हमारे पास आसान अलफाजों में अगर मैं कहूं तो ये आलू से एक्सट्रेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एक किस्म का ये स्वीटिश जो है वो जायके का होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिच इन स्टार्च एंड शुगर तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनकी अगर मैं बात करूं कि वो उनमें स्टार्च और शुगर ज्यादा होंगे या रिच होंगे वो जैसे कौन कौन सी हैं? वीट है हमें अंदाजा है कि जो आटा है वो इसमें आता है और जो सेकंड नंबर पे वो कॉर्न है ठीक है और शुगर केन गन्ना कैन बी फर्मेंटेड फर्मेंटेड का मतलब है उसको खमीर करना खमीरा लगाना टू प्रोड्यूस एथेनॉल जो एथेनॉल है ये भी थ्रू बायोमास मतलब हम इन्हीं प्रोडक्ट से जिनमें स्टार्च का मतलब है माया मावा जो होता है या निशास्ता भी हम उसको कह सकते हैं उर्दू जुबान में और जो शुगर है और इन मटेरियल से ठीक है शुगर केन कॉर्न बीट इनको फर्मेंटेड कर दिया जाता है खमीर यूज करके और फिर इनसे एथेनॉल जो है वो यूज किया जाता है और एथेनॉल के अलावा मैथनॉल भी इससे हम बना सकते हैं और एथेनॉल जो है वो सी टू एच फाइव ओ एच है ये इसका फॉर्मूला है और C2 का मतलब दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स आ गए ठीक है और एक दो तीन चार पांच यहां पर इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए इसके साथ और फिर ये OH का एक डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गया और इसी तरीके से जो मेथनॉल है उसका जो फॉर्मूला है वो सी एच थ्री ओ एच मतलब सी इज अ सिंगल एलिमेंट एंड वी हैव थ्री बॉन्डिंग

ये डिस्टिलेशन से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है वो बायोमास दैट कंटेन्स सेलोलोज लाइक वुड एंड बया गैस और ये जो है वो सेलोलोज टाइप की बायोमास से हम निकाल सकते हैं जो कि वुड और जो बैगैस है बैगैस का मतलब है कि जो शुगर केन्स का जो मवाद बच जाता है जब उसका रस निकाल लिया जाता है तो फर्मेंटेशन भी इसमें की जाती है और फर्मेंटेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है बाई विच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन तो फर्मेंटेशन में ऐसा केमिकल प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जो ग्लूकोज के हैं उनको तोड़ा जाता है सो बोथ दीज अल्कोहल्स जो जो कि मैथनोल है और इथेनोल है ये दोनों अल्कोहल्स हैं कैन बी यूज टू फ्यूल व्हीकल्स इनको हम डायरेक्टली uh, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन मिक्स कर सकते हैं कैन बी मिक्सड विद डीजल टू मेक बायोडीजल तो इसका फायदा यह है कि हम इन दोनों जो अल्कोहल्स की जो बायोगैस इससे हम बनाते हैं बायोमास से तो उसका फायदा यह है कि ये मिक्स किया जा सकता है डीजल या डीजल में या पेट्रोल में तो बायोडीजल भी और बायो पेट्रोल भी हम इसको कह सकते हैं अच्छा डिस्टलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि डिस्टलेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू वेपर अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि जो लिक्विड होता है उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंडेस्ट बैक टू लिक्विड फॉर्म दोबारा कंडेंसेशन करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं इसकी बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन की कि इट इज एज सिंपलेस्ट स्टीम फ्रॉम कैटल आपको याद हो जब आप आ, आ, किसी भी कैटल के अंदर पानी को गर्म करते हैं ठीक है जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है तो जो स्टीम होती है वो क्या करती है उसके डिपॉजिट होते हैं हमें नजर आते हैं ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर ऑन द कोल्ड सर्फिस तो कोल्ड सर्फेस पे हमें जो डिस्टिटिल वाटर नजर आता है ड्रॉप है वो इसी डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनता है और ये बड़ा बेसिक प्रोसेस है जो कि हम मेट्रिक और एफ की क्लासों में पढ़ते आए हैं और उसकी जो तजुर्बात भी करते आए हैं कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस था उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं लिक्विड है उसको हीट किया वेपर्स बने और वेपर्स के बाद वो वेपर्स को कंडेन्स्रेट करते हैं थ्रू सम्यूब और फिर लिक्विड फॉर्म में दोबारा से हम उसको ले आते हैं तो बायोमास के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं so, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन आर वाइडली अवेलेबल इन फॉरेस्ट एरियाज जो जंगलात हैं रूरल फॉर्म्स जो फॉर्म्स हैं वहां पर अर्बन वेस्ट जो शहरों का वेस्ट होता है जो जस्ट लाइक हमारे गटर्स हैं और उनके अंदर जो वेस्ट मौजूद होता है वो भी हम इसको बायोमास की फॉर्म में लेके आ सकते हैं एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्रीज और जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जो जमीनी अर्थली जो है वो जो लकड़ियां और वो कपास और इस तरह की बहुत सारी जितना भी वेस्ट है वो सारा इसमें आ जाता है तो बायोमास क्लासिफिकेशन इन इंडस्ट्रेशन इन फिगर जस्ट लाइक बायोमास है एनर्जी क्रॉप्स हैं एरिड एरिया प्लांटेशन एकवेटिक क्रॉप्स इसमें आ जाती हैं नेचुरल वेजिटेबल ग्रोथ जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा की जा रही हैं ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेजिड्यूस जो कि यहीं से ही एग्रीकल्चर वेस्ट निकलती हैं और इसके अलावा इसमें फॉरेस्ट रेजिड्यू जो कि जंगलात के बकाया जात हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप रेजड्यूस जो क्रॉप्स हैं फसल जो कि मौसमी फसलें हैं एनिमल वेस्ट इसमें आ जाता है और अर्बन वेस्ट जो है शहरों के जो के वेस्ट है उसके अंदर दो हैं एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है और दूसरा सेवेज लिक्विड वेस्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हम देखते हैं कचरा कुंडी वगैरह जैसे और सेवेज लिक्विड वेस्ट जो है ये हमारे पास गटरों में मौजूद होता है सेवेज का और इसके अलावा फाइनल जो है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की कि फॉरेस्ट में जो है वो कौन कौन से वेस्ट जो मतलब जो रिसोर्सेज होंगे बायोमास के तो फॉरेस्ट जंगलात जो हैं वो नेचुरल और कल्टिवेटेड एक तो हों मतलब है कि जिसको किसी इंसान ने नहीं आ, लगाया और वो कुदरती जो हैं वो उन जमीन के अंदर जो बीज मौजूद थे वहां से वो तैयार हो गए और दूसरा जो है वो कल्टिवेटेड हैं मतलब जो कि, कि, किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होंगे या आ, काट के किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है जो कि इंसान या ह्यूमन बींग ने किया होगा आर आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर ये जो जिसके हम बात करते हैं लकड़ी की जस्ट लाइक दिस दिस इज द टिम्बर जो कि हमारे यहाँ पर टिम्बर मार्केटें बनी हुई हैं पाकिस्तान में और वहां से हमें ये लकड़ी भी मिल सकती है जो कि हम जला के इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल वुड आ, टिम्बर तो होगी बड़ी लकड़ी आ, और इसके अलावा फ्यूल वुड जस्ट लाइक ये छोटी लकड़ी जो कि हम आ, जला के और उससे एनर्जी हासिल करके और कुकिंग वगैरह कर सकते हैं और चारकोल चारकोल मतलब है कि ये हमारे पास कोयला हो गया एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम पेपर मिल्स एंड ओदर इंडस्ट्रीज और जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं या पेपर मिल्स हैं पेपर मिल की बात इसलिए हो रही है कि कागज की जो इंडस्ट्री है क्योंकि जो कागज बनता है वो भी दरख्त से दरख्त है डिफरेंट टाइप्स के उनसे उनका मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत वेस्ट जो है वो मिलता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में पेपर मिल्स में मौजूद होता है और दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं उनका वेस्ट भी बायोमास uh, को हम उसमें शामिल कर सकते हैं इसके अलावा जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं जस्ट लाइक नीम है uh, बहुत पाकिस्तान में मौजूद है किकर है ये भी बहुत मौजूद है और गुलमोहर uh, ये भी एक दरख्त है जस्ट लाइक like ये दिस इज द पिक्चर ऑफ गुलमोहर नीम और कीकर के पिक्चर इसलिए यहाँ पर लेके आया आई नो दैट के वो ईच एंड एवरी पर्सन नोज दैट के नीम और कीकर के जो दरख्त हैं वो हर जगह पे हर शहर में हर गांव में लगे हुए होते हैं लेकिन गुलमोहर इधर डिफरेंट वन जिसके अंदर ये इसके अंदर कुछ फूल और रेड कलर की जो शेप हैं ये अवेलेबल होते हैं ये हर जगह पे नजर नहीं आता और ये कहाँ पर उगाए जाते हैं आर ग्रोन along canals में रेलवे ट्रैक्स पे या जो नहरें हैं बहरे हैं वहाँ पर एंड ऑन लैंड ऑफ मार्जिनल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के जो लैंड हैं वहां पर इनको लगाया जाता है ताकि इनसे जो है वो बायोमास के जो रिसोर्स हैं वो हासिल किए जा सके तो फॉरेस्ट के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं लकड़ी वुड ठीक है सा डस्ट जब हम टिम्बर मार्केट में जाते हैं या लकड़ी की जो मार्केट है वहां जाते हैं तो हमें अंदाजा है कि लकड़ी के साथ साथ वहां पर जो सा डस्ट जो आरा लगा होता है बड़ा आरा वो आरा बड़ी बड़ी लकड़ियों को चीरता है काटता है और जब वो काटता है तो उससे डस्ट भी हमें मिलती है जो कि इस फॉर्म में मौजूद होती है डस्ट अच्छा उसके अलावा इसमें क्या होता है और एंड बार्क रेजिड्यू बार्क रेजिड्यू मतलब ये हुआ कि जो लकड़ी कटती है ना उसमें से बरीक बरीक टुकड़े भी निकलते हैं ठीक है और वो इस टाइप के होते हैं लकड़ी के बरीक बरीक टुकड़े ठीक है जिसको हम बार्क रेजिड्यू कहते हैं या बार्क रिमेन्स कहते हैं लकड़ी के हिस्से से और ये कहां से जनरेट होते हैं ये दीज ऑल आर जनरेटेड इन सॉ मिल्स ठीक है सॉ मिल्स का मतलब है कि जो भी वहां पर आरे लगे हुए होते हैं अच्छा इसमें क्या है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनको हम जो जलाते हैं या क्या करते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट रेजिड्यू क्योंकि लकड़ी की बात हो रही है तो लाजवाद हम इसको फॉरेस्ट रेजिड्यू ही कहेंगे रेजिड्यू कहेंगे या रिमेन्स कहेंगे इज इट्स लोरिफिक वैल्यू कैलोरिफिक वैल्यू ये होती है कि वो बताएगा हमें रेफर करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अगर हम उसको कंप्लीटली जलाएं तो बल्कि यहां लिखी भी हुई है कि क्लोरिफिक वैल्यू जो भी क्लोरिफिक वैल्यू है हीट करने की असर यह होती है रेफर टू दउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाई यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस जिस अगर मैं बात करूं कि इस लकड़ी से ये जो बार्क रेजिड्यू है उसको अगर हम जलाएं तो उसके यूनिट वॉल्यूम से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बाय कंप्लीट कंबस्टन जब उसको मुकम्मल तौर पे जला दिया जाएगा तो दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड एज कलरफिक वैल्यू जो कि डिफरेंट है जस्ट लाइक चार हजार किलो कैलोरी किलो पर किलोग्राम फॉर सॉफ्ट फूड लीव्स जो कि सॉफ्ट है लकड़ी है एंड तकरीबन थ्री ट्रिपल एट टू फाइव टू किलो किलो, किलो रुपए रिपल किलोग्राम फॉर हार्ड वुड स्पेशियस जो लकड़ी है सख्त लकड़ी है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करती है और जो सॉफ्ट लकड़ी है वो थोड़ा सा कम जो है वो क्लोरफिक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है अच्छा इसके अलावा अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यूस तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप रेजिड्यूस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं सो क्रॉप रेजिड्यूज या जो फसल है फसल की जो इस्तेमाल काबले इस्तेमाल फसल जब निकाल ली जाती है और पीछे जो रेजिड बचते हैं उसको हम कहते हैं आर अवेलेबल इन अबंडेंस नेचुरल रिसोर्स अबंडेंस का मतलब यह है कि वो नॉर्मली वो ना कहीं बिकते हैं और ना ही उनको आ, किसी स्पेशल जगह पर ले जाकर इस्तेमाल किया जाता है तो अबंडस का मतलब है कि उनको आ, मतलब वो छोड़ा हुआ मटेरियल होता है इजिली कलेक्टेड एंड स्टोर्ड तो उसको क्या करते हैं कि इजिली कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है for the future, uh, perspective. तो इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो इनमें दीज आर राइस हस्क राइस हस्क का मतलब है कि जब चावल जो है उसको uh, निकाल लिया जाता है फ्रॉम दी जो उसका खोल होता है तो वो जो रस्क बचता है खोल बचता है वो उनको अलग से बोरियों में भरा जा सकता है इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी बायोमास मटेरियल है तो राइस हस्क वीट स्ट्रॉ वीट स्ट्रॉ का मतलब है कि जैसे हमें अंदाजा है कि गंदम का जो पौधा है या गंदम का जो स्ट्रॉ है उसके अंदर ये जो गंदम अगर निकाल ली जाए तो उसका जो निचला हिस्सा है उसको हम बैंबू कहते हैं छोटा सा या हम उसको स्ट्रॉ भी कह सकते हैं तो वो भी इसमें काम आती है कॉर्न कॉप्स ये कॉर्न है हमारे पास ठीक है जब कॉर्न को इसको जब इसके जो दाने हैं जब उनको उतार लिया जाता है या उनको इस्तेमाल में कर लिया जाता है तो फिर ये जो पीछे जिसको हम पंजाबी जुबान में छल्ली कहते हैं और जब छल्ली को इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर ये पीछे जो बचेगा रेसिड्यू इसको कॉप्स कहेंगे हम कि ये देखें ना बिल्कुल खोखला है ये कॉटन स्टिक्स ये जो कॉटन है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इसकी लकड़ी कॉटन को चुनने के बाद जो लकड़ी बचती है इसको सुखा के इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर बर्निंग ऑफ वुड शुगर केन बैगैस ये जो शुगर केन है जो गन्ना है जब उसको पील कर लिया जाता है तो पील करने के बाद जब उसका रस निकलता है तो जो पीछे बैक एंड पे जो भी मटेरियल निकल रहा होता है उसको हम बैगैस कहते हैं और इसके अलावा ग्राउंड नट ग्राउंड नट का मतलब है कि जो मूंगफली है मूंगफली को जब निकालते हैं तो उसका जो हॉल है और जो मटेरियल बचता है वो सारा इसमें शामिल है एंड कोकोनट शेल्स और जो कोकोनट है उसका शेल भी इसी के रेज में आता है बना लिया जाता है ताकि फॉर यूज एज क्लीन फ्यूल ताकि उसको आसान फ्यूल या क्लीन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए दीज आर कॉल्ड बायोफ्यूल्स इनको हम बायोफ्यूल्स कहते हैं सी सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड होते हैं और ये हाई एफिशियंसी होते हैं ठीक है जस्ट लाइक like अगर मैं इसकी बात करूं कि जो मिटीरियल हमारे पास राइस हस्क है राइस हस्क इस तरीके से था इसके बाद इसके ब्रिक्ट्स, जो ब्रिक्ट्स हैं वो बना लिए गए इसी तरीके से ये जो हमारे पास ये हमें नजर आ रहा है इस तरह की जो लकड़ी है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया ठीक है इस इस हार्ड लकड़ी में इसके पूरा प्रोसीजर है और ये देखें तो इसको हमने अंडरग्राउंड से जो कोयला है वो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है और हम उसको कोयले को थ्रू सम स्पेशल प्रोसीजर लकड़ी को कोयले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से ये जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं उनको हम ब्रिकेट बना लेते हैं इन फॉर्म ऑफ हार्ड शेप और फिर बाद में उसको जलाने के लिए आसानी होती है अच्छा वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स ये कौन कौन सी हैं Area, आ, अच्छा ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्टाइल एरिया क्रॉप्स जो अच्छा वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जिनसे वेजिटेबल ऑयल भी निकाला जा सकता है ठीक है सो ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्टाइल ऐसी जरिए एरिया जहाँ पर अच्छी जरिए एर हों फर्टाइल हो और ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें जिनको हम कह सकते हैं कि सनफ्लावर है सूरजमुखी तो सूरजमुखी से जो है वो काफी ज्यादा तेल जो है वो बनाया जाता है कॉटन सीड जिससे कॉटन बनाई जाती है जो उनके सीड्स हैं उनसे भी ऑयल जो है वो बनाया जा सकता है ग्राउंड नट ग्राउंड नट मूंगफली का तेल भी जो है वो अवेलेबल होता है तो ये सारे के सारे जो है आ, हमें मौजूद होती हैं हमारे पास हमारे माशरे में सोसाइटी में अच्छा रेप सीड रेप सीड जो है वो ये है जिसको हम उर्दू जुबान में अगर हम कहें दैट वन इज द कैनोला तो कैनोला ऑयल जो है वो भी हमें नज़र आता है मार्केट में और इसके अलावा पाम एंड कोकोनट तो दिस इज अ पाम जो कि मलेशिया में और ऐसे कंट्रीज uh, में पाम जो है वो उसके ट्रीज बहुत मौजूद हैं और ये पाम ऑयल है और इसी तरीके से कोकोनट जो है अनारियल उसका तेल भी मौजूद है सो दीज ऑयल्स आफ्टर प्यूरिफिकेशन कैन बी ब्लेंडेड विद डीजल ऑयल सुटेबल एज इंजन फ्यूल तो क्या करते हैं अब हम यहां बात कर रहे हैं कि ऑयल की हम क्यों बात कर रहे हैं तो ऑयल की बात इसलिए हो रही है कि ये जो ऑयल हैं इनको आफ्टर प्यूरिफिकेशन जितनी नीड नीड होती है उसकी प्यूरिफिकेशन करने की वो करके फिर हम इनको ब्लेंड कर सकते हैं डीजल ऑयल के अंदर ठीक है ताकि फिर हम उसको इंजन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें क्योंकि डीजल ऑयल अगर एक्सपेंसिव है तो हम इसमें कुछ सस्ता ऑयल ऐड करके और फिर उसको इंजन फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स में और कौन कौन सी हैं अच्छा वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पौधा है जिसको कहते हैं जाजोबा ठीक है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पौधा है और उसके जो सीड्स होते हैं जो बीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं ऑयल विच इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से अच्छा जजोबा ऑयल जो है वो हैविंग गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग है बहुत अच्छी है इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी और इंसुलेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसको ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर में बहुत जरूरत होती है तो इसलिए जजोबा जो ऑयल है वो इसलिए काफी ज्यादा फेमस है तो so, इस प्रोडक्ट आर हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स अच्छा इसकी प्रोडक्ट कौन कौन सी बन सकती है वो हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स हैं वैक्स हैं वैक्स जो बनाई जाती है सुटेबल फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है इट इज अ गुड रॉ मटेरियल फॉर पेंट्स एंड वार्निशेस क्योंकि लुब्रिकेंट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो फिर इसका जो रॉ मटेरियल है जो पेंट और वार्निशेस का जो कि इस्तेमाल होता है घर में लकड़ियों पे और उनके जो रॉ मटेरियल है उसमें भी इस जो ऑयल है उसको इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ द लुब्रिकेशन तो हम देख सकते हैं दिस इज द सीड ऑफ द जजोबा एंड फ्रॉम दिस सीड वी कैन एक्सट्रैक्ट द जजोबा ऑयल अच्छा एक्वेटिक क्रॉप्स जो है वो क्या है एक्वेटिक से हमें अंदाजा हो रहा है कि जैसे हम काइंड ऑफ ओशनिक या समंदर की बात हो रही है तो एक्वेटिक में हमारे पास समंदर में भी बहुत सारी जो है वो अवेलेबल हैं क्रॉप्स तो एक्विटिक क्रॉप कॉन्स्टिट्यूट थ्री वाटर प्लांट्स इसमें अगर हम बात करें हैं तो बहुत सारे लेकिन हम यहां तीन की बात करेंगे जो हमें समझ भी आएगी और हमें अंदाजा भी होगा पहले नंबर पे है एल तो एल जो है वो दिस दिस इज द एल जी जिस हम देख सकते हैं कि पानी के ऊपर ग्रीन कलर की एक तह जम जाती है ठीक है एक ग्रीन कलर की और ये अक्सर हमें पुराने पानियों पर नजर आती है कि जो पानी चल नहीं रहा हो बल्कि मौजूद हो खड़ा हुआ हो तो वहां पर ये ग्रीन कलर की एल है जिसको हम हाथ भी डालने तो वो हाथों पर भी लग जाती है तो दिस इज ऑल्सो अक्वेटिक क्रॉप द सेकेंड वन इज द वॉटर हाइसेंट तो ये हम देख सकते हैं कि कुछ अ ऐसी जगह जहां पर पानी खड़ा हुआ हो बहुत अरसे से तो वहां पर पौधे उग जाते हैं ग्रीनरी कलर की ये देखें ग्रीनरी और ये जो तो पौधे का मतलब है फूल टाइप के अवेलेबल uh, होते हैं तो इनके अंदर जो है वो चलना भी मुश्किल होता है नीचे ये सारा वाटर है ये एक सारा कंप्लीटली जो है एक नदी है लेकिन उसके अंदर जो है ये हाईसेंट जो है वो एक पौधे जो है वो मौजूद हैं और इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है सी वीड जिसको हम काई कहते हैं काई तो काई है ये अंडरग्राउंड अवेलेबल होती है और समंदर के अंदर पानी के अंदर और ये भी एकटिक क्रॉप के तौर पर इसमें यूज की जाती है तो दीज प्लांट्स ग्रो अबेंडेंटली इन वाटर बॉडीज ये बहुत यू कह लें कि आज़ादी के साथ जो है पानी की जो वाटर बॉडी है उसके अंदर फलते फूलते हैं एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर फॉर बायोगैस प्लांट्स और बायोगैस प्लांट्स के अंदर इनको एक्सट्रैक्ट करके निकाल के प्लांट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है